अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो का टॉपिक है क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम फाइल इन सिविल 3D। तो कोई भी आपके पास अगर एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट का डाटा है और आप उसको क्विकली आप सिविल 3D में प्लॉट करना चाहते हैं अलाइनमेंट, तो उसके लिए आपके पास ईस्टिंग, नॉर्थिंग और हॉरिजॉन्टल कर्व का जो डाटा है वो होना चाहिए। और उसके बाद जो फॉर्मेट है वो ये SCR फाइल में आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको इंपोर्ट करके सिविल 3D में अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन वगैरह जो है वो कर सकते हैं और अपना नेक्स्ट जो है वर्किंग उस पर कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। तो यहाँ पे जो है मेरे पास ये डाटा एक्सेल में यहाँ पे है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो ईस्टिंग और नॉर्थिंग का डाटा है इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने नोटपैड ओपन करना है और नोटपैड में आपने यहाँ पे इसको लाके पेस्ट कर देना है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे ये जो एम्प्टी स्पेस है इसको आपने ऐसे सिलेक्ट करके कॉपी करना है और हेडर टैब में रिप्लेस पे चले जाना है। यहाँ पे फर्स्ट जो कॉलम नज़र आ रहा है, टैब नज़र आ रहा है, इसमें आपने इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये आ गया है। यहाँ पे आपने एक कॉमा लगा देना है और रिप्लेस ऑल कर देना है। ओके कर देना है, क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे ये जो है अभी आपने इसको पी लाइन एंटर करना है और यहाँ पे ये जो है आपने अभी इसको एक एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे अभी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि आपने क्या टाइप करना है यहाँ पे। यहाँ पे ओके मैं ऑल फाइल करता हूँ और यहाँ पे ये जो एक मेरे पास फाइल है, ठीक है, यहाँ से आपने ये वाली जो टेक्स्ट है ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से कॉपी करके इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहां से कॉपी किया और यहां पे मैंने इसको लाके कंट्रोल वी कर दिया या मैं राइट क्लिक करके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहां पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अभी हमने इस फाइल को सेव करना है, फाइल सेव एस। ओके, यहां पे आपने ये ऑल फाइल पे कर देना है इसको और यहाँ पे आपने इसको जो भी आपने इसका नाम रखना है आप यहाँ पे रख के .scr एक्सटेंशन आपने इसको जरूर देनी है, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया यहाँ पे। ओके, अभी जो है ये फोल्डर है यहाँ पे हमने इसको सेव किया, ये CL के नाम से हमने जो है इसको सेव कर दिया है यहाँ पे। ओके, अभी हम इसको इंपोर्ट करके देखते हैं यहाँ पे सिविल 3D में। तो सिविल 3D में आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आपने SCR टाइप करना है। तो यहाँ पे SCR स्क्रिप्ट का कमांड आपको मिलेगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ये वो हमारी फाइल है जो अभी हमने क्रिएट की है, इसको आपने सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये क्रिएट अलाइनमेंट का जो विंडो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। आप अपनी अलाइनमेंट का कोई भी नाम दें और यहाँ पे अगर आप रेडियस रखना चाहें जो वहाँ पे आपने रखा है तो आप रख सकते हैं, ना भी रखें तो वो उसी रेडियस से ये इसको क्रिएट कर देगा। आपने जैसे इसको ओके करना है, यहाँ पे अगर आप देखें तो जो भी हमारा डिफॉल्ट रेडियस था उसके साथ हमारी ये अलाइनमेंट क्रिएट हो गई है यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सेम रेडियस के साथ हमारी अलाइनमेंट क्रिएट होगी। हमें सेम रेडियस से नहीं चाहिए, हमने अपने रेडियस को जो है वो जो रिक्वायरमेंट है हमारी रेडियस की हमने उसके हिसाब से ही रखना है उसको। तो यहाँ पे जो है हम इसको उसके हिसाब से एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला रेडियस जो है वो हमारा 200 है, तो मैं यहाँ पे 200 टाइप करता हूँ। फिर नेक्स्ट दो हैं वो हमारे 100 है और फिर 300 और 200 है। तो ये 300 है, ओके, ये 200 है, ओके। उसके बाद जो है हमारा 135.603 है, उसके बाद फिर 2 जो है वो 100 के हैं, उसके बाद 280 है, ओके। उसके बाद जो है फिर 100 है, ओके, ये 200 के हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है 850 है, तो इसको मैं 850 यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट जो है 850 के बाद फिर 200 के हैं, ये 200 के हैं। उसके बाद फिर हमारा जो है वो 750 है, ओके, ये 750 है, ओके, और फिर 300 और 200 है, 300 200। तो यहाँ पे अभी जो है हमारी अलाइनमेंट जो हमें रिक्वायर्ड थी यहाँ पे वो एक्चुअल जो उसके रेडियस थे उसके हिसाब से यहाँ पे ये क्रिएट हो गई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये मेथड था इसका, आपके पास कितनी भी बड़ी अलाइनमेंट हो आप उसको इजीली इसमें जो है ऐसे इंपोर्ट करके
ठीक है, उसमें आपको सिंगल सिंगल जो कर्व डाटा है वो ऐड नहीं करना पड़ेगा, आप जस्ट उसकी वैल्यू को टाइप करके यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।